वेल दोस्तों, यूपी में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी जारी की गई है। एक खुशखबरी सबके लिए है। एक कहावत है ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और यहाँ पर कद्दू वाली बातें सच हो रही है। जब तुम पॉन देखोगे तो ये न्यूज सब में चला जाएगा कि आपने पॉन देखा है, तो संभल जाओ। यदि यूपी के किसी भी स्टेट में रहते हो तो संभल जाओ, नहीं तो जेल जाओ, और जेल जाओगे तो कद्दू खाने को मिलेगा। और यहाँ पर इसके लिए यूपी पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, क्योंकि जब तुम इसको जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से फॉलो नहीं करोगे, यूपी के जो हिसाब से नहीं चलोगे, यूपी पुलिस के हिसाब से नहीं चलोगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे समस्याएं झेलने पड़ सकता है। जब भी कोई क्राइम होता है, रेप क्राइम होता है, कुछ ऐसा सस्पेक्ट होता है, तो नंबर वन सस्पेक्ट आप हो, क्योंकि आपने ऐसा क्राइम किया है और आपके पास साक्ष्य आ जाएगा और आप यहाँ पर होगे। और यहाँ पर मैं नेबर जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर एक ट्विटर हैंडल बनाया गया है, जब वुमेन पावर लाइन 1090 एक टीम बनाई है। यहाँ पर इस टीम को कहा गया है कि जो भी पॉर्नोग्राफी करेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, उन पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी किया गया है और उन पर नियम लागू होगा। और जैसे ही आप कुछ भी होता है यूपी में कहीं भी, तो आपको नंबर वन सस्पेक्ट बनाया जाएगा और आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो थोड़ा संभाल के बात। और एक कोई मैं झूठ बातें नहीं बता रहा हूँ, ये सच में ऐसा किया गया। यूपी में पॉर्नोग्राफी को लेकर बहुत सारे नियम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी किए गए। यदि कोई देखता है तो यहाँ जैसे देख सकते हो, यहाँ पर ट्विटर हैंडल कि कोई भी जो वुमेन के खिलाफ ऐसा होता है, अगेंस्ट क्राइम होता है, तो यहाँ पर सबसे बड़े नंबर वन सस्पेक्ट आप हो गए। तो थोड़ा संभल के रहना है, थोड़ा सा बच के रहना है। जैसे कि आजकल देख सकते हो, यहाँ पर आप पॉर्नोग्राफी सर्च करने की कोशिश करते हो, ऑनलाइन कंटेंट ढूंढते हो, ऑनलाइन कुछ करने की कोशिश करते हो पॉर्न से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप नंबर वन सस्पेक्ट बनते हो। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा क्राइम होता है तो यहाँ पर नंबर वन सस्पेक्ट आप बनोगे। आपके घर पुलिस आएगी और आपको यहां से घींच के तीर के पूछताछ के लिए आपके घर से लेकर जाएगी। तो यहां पर आप थोड़ा संभल जाओ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, जैसे कि देखते तो हमें न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया में जो क्राइम रेट है, रेप का जो क्राइम रेट है कितना है, कितना से चला रहा है, और इसका पूरा डिटेल से जानेंगे। एंड उसके बाद बात करेंगे कि हम कि यूपी पुलिस आप पर कैसे यहाँ पर ध्यान से नजर रखी हुई है कि आप पोर्नोग्राफी सर्च कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो आपके मोबाइल पे। आप जो भी आपसे मोबाइल पे करोगे ना, आप पोर्नोग्राफी सर्च करो जैसे ही, तो यहाँ पर यूपी पुलिस को पता चलेगा कि आपने ऐसा किया है। और 1090 से आपको एक कॉल आएगा, मैसेज आएगा कि आपने ऐसा किया है, आपने जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पर आपको जेल जाना पड़ सकता है। आपको ऐसा कुछ होता है तो आपको मुसीबत में आना पड़ेगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में वार्निंग दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की माने तो रेप इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन क्राइम इन इंडिया अगेंस्ट द वुमेन। और यहाँ पर इसके खिलाफ बहुत सारे NCRB रिकॉर्ड जारी किए, यहाँ पर रेप जो बहुत ज्यादा कॉमन माना जाता है, फोर्थ कॉमन क्राइम है यहाँ पर इंडिया के अंदर। इसे कोई मतलब ज्यादा हैवी कोई लेता नहीं, इसे कोई भारी मानता नहीं, इसे कोई स्ट्रिक्ट मानता नहीं कि रेप चलो छोटा मोटा काम है, ऐसा सोचते हैं। फोर्थ मोस्ट कॉमन क्राइम माना जाता है इंडिया के अंदर। अगर 2019 के एनुअल रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर 32,000 के आसपास रेप आए हैं, यानी माने तो यहाँ पर डेली एवरेज माने तो यहाँ पर 91 केसेस डेली देखने को मिला है। और 2018 के मानकर तो यहाँ पर 88 केसेस डेली को मिला था, यानी 30,000 के आसपास टोटल मिला था ऑल ओवर, मतलब साल में मिला था देखने को हमें रेप केसेस। लेकिन यहाँ पर दुखद बात है कि धीरे धीरे क्राइम बढ़ता जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ पर रिपोर्ट बता, जैसे गार्जियन की रिपोर्ट तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है, ये सेक्स है, आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया इन इंडिया के अंदर। इसे हम ब्लेम नहीं कर सकते कि ये सब जो है वो पोर्नोग्राफी की वजह से हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं बताऊँ, ऐसा वीडियो में या और बड़े जो रिसर्चर्स है वो बता रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट आप निकल के आ रहे हैं वो बता रहे हैं। जैसे कि 2013 के रिपोर्ट है, यहाँ बताया कि 1 लाख में से लगभग 5.3 का रेप होता है डेली इंडिया में हो जाता है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर और जो बड़े बड़े कंट्री है वहाँ पर और होते हैं, ये तो नॉर्मल बताया गया। जैसे कि ये रिपोर्ट भी देख सकते हो, यहाँ बताया कि US के अंदर सबसे ज्यादा रेप केसेस आते हैं, उसके बाद इंडिया में सेकंड मोस्ट रेप केसेस देखने को मिल जाते हैं हमें यहाँ पर। तो अब बात करते हैं यूपी पुलिस ने ऐसा क्या क्या कि हमें बच के रहना चाहिए, यानी जो यूजर्स यूपी में रहते हैं, जो इंटरनेट यूजर्स है उनको बच के रहना चाहिए। जैसे कि रिपोर्ट है, यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हो बड़े बड़े कि यहाँ पर आप जो पोर्नोग्राफी यूज करेगा, जो सर्च करेगा ऑनलाइन कंटेंट यहाँ पर यूपी के अंदर जो रीजन में रहता है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और नंबर वन सस्पेक्ट माना जाएगा। जैसे कि रिपोर्ट है, यहाँ पर ऐसा आर्टिकल निकल के सामने आ रहा है। और यहाँ पर यूपी में बात करते, यहाँ पर टोटल जो इंटरनेट यूजर्स यूपी के अंदर है वो 11.1 मिलियन से यानी 1 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूजर्स हैं जो अच्छे खासे इंटरनेट को यूज करते हैं, और 1 करोड़ बहुत ही बड़ा होता है। यहाँ पता है कि यहाँ पर जो अभी 1090 वुमेन पावर लाइन लॉन्च किया गया है, ये बहुत ही अच्छा होगा, साबित होगा, क्योंकि पहले भी 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया और सक्सेसफुल हो रहा है, लोगों को तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यूपी पुलिस बता रही थी कि यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला, और यूपी पुलिस के द्वारा जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उस कंपनी का नाम है ओमफ। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, और यहाँ पर इस कारण जाते हैं आप सर्च कर सकते हो कि इसके बारे में क्या। तो आप कंक्लूजन पर आते हैं कि यहाँ पर कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो गाइस, यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए कि हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, उनको औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना चाहिए, उनको कहना है कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, गलत गलत बातें नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि उन पर माइंड पर हावी होता है ऐसा बात करने से, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट ना सिखाना चाहिए। प्लस में यहाँ पर हमारा जो सिलेबस होता है
है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ ताकि आप जागरूक रहो। तो तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।